सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज है जनवरी के पहली तारीख और मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए लेटेस्ट जनवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किन किन डिवाइसेस को मंथली यानी हर महीने अपडेट देखने को मिलेंगे, किन किन डिवाइसेस को क्वार्टरली 3 महीने पर एक अपडेट देखने को मिलेंगे और किन किन डिवाइसेस में बाई एनुअल अपडेट देखने को मिलेंगे यानी साल में 2 अपडेट 6 महीने पर एक अपडेट देखने को मिलेंगे। सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 80 लाइक, 80 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट की, जिन डिवाइसेस को हर महीने अपडेट देखने को मिलते हैं और जनवरी 2022 का भी सिक्योरिटी पैच अपडेट इन डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है सैमसंग के फोल्डेबल डिवाइसेस गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी जेड फोल्ड 2, गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 5G, गैलेक्सी जेड फ्लिप, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 5G। इसके बाद है सैमसंग S21 सीरीज, S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, S20 FE, S20 FE 5G, सैमसंग S10 सीरीज, S10 प्लस, S10e, S10 लाइट, सैमसंग Note 10 सीरीज, Note 10, Note 10 प्लस, Note 10 लाइट, सैमसंग A52, A52S 5G, सैमसंग A50। तो इन डिवाइसेस को हर महीने अपडेट्स देखने को मिलते हैं और इस महीने भी जो लेटेस्ट जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो इन डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं क्वार्टरली सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर है S9, S9 प्लस, Note 9, सैमसंग A21, S31, सैमसंग A51, A71, A12, A22, A32, A72, A03, A03S, A13 5G जो अभी लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, सैमसंग M01, M11, M21, M21 2021 एडिशन, M31, M31S, M51, M12, M32, M32 5G, M52 5G, F12, F22, F42 5G, F62, Tab A8.4 2020, Tab A7, Tab A7 Lite, Tab Active Pro, Tab A6 5G, Samsung Tab S6 Lite, Samsung Tab A7, Tab A7 Plus, Tab A7 FE। तो इन डिवाइसेस को हर 3 महीने पर एक अपडेट देखने को मिलते हैं। बात करें बाई एनुअल सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट की, जिन डिवाइसेस को हर 6 महीने पर एक अपडेट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर है सैमसंग A6, A6 प्लस, A7 2018, 8 प्लस 2018, A9 2018, A10, A10S, A20, A20S, A30, A30S, सैमसंग A70, सैमसंग A70S, A50S, सैमसंग J सीरीज के भी डिवाइसेस हैं, J2 कोर, J3, J4, J4 प्लस, J6, J6 प्लस, J7 डुओ, J7 प्राइम 2, सैमसंग J8, M10, M10S, M20, M30, M30S, M40, सैमसंग के कुछ टैबलेट्स भी हैं जो कि है टैब A10.5 2018, टैब A8 2019, टैब A10.1 2019, टैब ए विथ एस पेन, इसके अलावा टैब S4, टैब S5e, सैमसंग टैब S6। तो इन डिवाइसेस को हर 6 महीने पर एक अपडेट देखने को मिलेंगे। तो यही है सैमसंग की तरफ से कंप्लीट अपडेट लिस्ट। यहाँ पर मैंने बताया कि किन किन डिवाइसेस को मंथली अपडेट मिलेगा, किन किन डिवाइसेस को क्वार्टरली यानी 3 महीने पर अपडेट देखने को मिलेगा और किन किन डिवाइसेस को बाई एनुअल अपडेट देखने को मिलेगा यानी 6 महीने पर एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।